गाइस जैसा कि मेरा टाइटल और थंबनेल देख करके आप सभी लोग समझ ही गए होंगे, आज मैं बात करने वाला हूँ पेटीएम जो पोस्ट पेड है उसने लीगल नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिया। अगर आप लोगों का भी पेटीएम पोस्ट पेड का कोई भी चीज ड्यू है, मतलब कोई भी अमाउंट अगर आपका ड्यू है तो भैया आप पे कर देना, अदरवाइज ट्रस्ट में आपके पास बहुत जल्दी एक नोटिस आने वाला है। और नोटिस किस तरह का आएगा, नोटिस में क्या क्या चीजें लिखी होंगी, वही आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। भैया वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आज के इस वीडियो को जरूर से कुछ लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कुछ लोगों ने जब पेटीएम पोस्ट पेड स्टार्ट हुआ है तब से कुछ लोगों ने अभी हाल फिलहाल तो पेटीएम पोस्ट पेड जो है वो होल्ड पे हो चुका है। अभी अगर आप अपना पेटीएम पोस्ट पेड वाले सेक्शन में जाके देखते हो तो होल्ड पे दिखाता है, कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा। बट जिन लोगों का ड्यू है उन लोगों के लिए अभी ऑप्शन अवेलेबल है, आप जाओ पे कर सकते हो, बाकी अभी उस सर्विस को आप यूज नहीं कर सकते, कुछ दिनों के लिए वो होल्ड पे है। मैं अभी यहाँ पे बात करने वाला हूँ लीगल नोटिस के बारे में। मेरे पास बकायदा एक यहाँ पे मैसेज आ चुका है और मैसेज में आप स्क्रीन पे अभी देख लीजिएगा, आपको पूरा मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पूरा नोटिस दिखा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे अगर सिस्टम पे यहाँ देखूँ तो देखिए वरना मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा और एक एक चीज बताऊंगा क्या है नोटिस। पहले उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे आप सभी लोगों को, जब पेटीएम पोस्ट पेड स्टार्ट हुआ था ना तो दो चीजें आप लोगों ने, एक चीज तो आप लोगों ने कंफर्म देखी होगी, स्टार्ट हुआ होगा तो आपने खटखट खटखट फटाफट से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करा था, तो टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, वो आपको बताऊंगा क्या लिखा हुआ था, कौन सा अंडर 19 सेक्शन, कौन सा कोड आपके ऊपर धारा लग सकती है अगर आपने पे नहीं किया, तो वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन कुछ सो कॉल्ड लोग जो है ना ये कहते थे भैया हम तो पेटीएम पोस्ट पेड का पैसा नहीं जमा कराएंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, उन लोगों को मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ ये लीगल नोटिस है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ना। अगर मेरे दोस्त अगर आप चाहते हो आपका सिविल स्कोर कहीं पे भी फ्यूचर में खराब ना हो, 2-4-500 रुपए के चक्कर में अपनी लाइफ मत खराब करना, अगर आपका कोई अमाउंट ड्यू है तो जाके आप पे कर देना। मुझे कोई पेटीएम वालों ने ये नहीं कहा कि आप वीडियो बनाओ और लोगों को बोलो हमारा पैसा पे कर दो, नहीं, मेरा काम है, चैनल का नाम है हिंदी एडवाइस, यहाँ पे मैं लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेजेबल वीडियोस देता हूँ जो मेरे हिसाब से लगता है कि हाँ यार ये चीज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसके बारे में बताता हूँ। अगर आप लोग भी सपोर्ट करते हो और वीडियो को लाइक करते हो, आज भी लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंचे। चलिए आप सबसे पहले स्क्रीन पे आपको यहाँ पे नोटिस दिख जाएगा, अब नोटिस में क्या लिखा हुआ मैं वो आपको थोड़ा सा मैं पढ़ के समझाता जाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप इस नोटिस को देख लीजिए, पेटीएम की तरफ से आया, इसका पेटीएम का लोगो भी है और पेटीएम जो कंपनी है वो 19 कम्युनिकेशन की तरफ से है, ठीक है। एंड ये नोटिस आया, आप डेट देख सकते हैं 13 जून 2019 को आया है। अभी ऊपर जिनके नाम से नोटिस आया है उसको तो मैंने ब्लर कर दिया। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट में लिखा है नोटिस फॉर रिकवरी ऑफ मनी, यानी कि आपसे पैसा वसूल करने के लिए इन्होंने ये नोटिस भेजा है। फिर बाद में तो सब नॉर्मल सी चीजें हैं और उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि भैया जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड इनकॉर्पोरेट अंडर द प्रोविजन कंपनी एक्ट 1956 है ना, रजिस्टर्ड ये दिस मतलब पेटीएम का इन्होंने एड्रेस वगैरह सारी चीजें दे रखी है। अब पेटीएम ने क्या कर रखा है, अपना रिकवरी मनी रिसीव करने के लिए एक दूसरी कंपनी को दे रखा है, उसका नाम है CLIX, ठीक है, फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कलेक्टिंग द आउटस्टैंडिंग अनपेड अमाउंट अपॉन द फॉलोइंग नोटिस। अब देखिए यहां पे पॉइंट नंबर वन में देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ, इन्होंने पॉइंट नंबर वन में भी बता रखा है कि भैया ये कंपनी ने फर्स्ट बेज ओपन दिस। देखिए ये नोटिस आपको दिख रहा है, आप उसमें चाहे तो स्क्रीन शॉट लेकर के जूम करके हर एक चीज को पढ़ सकते हैं। इन्होंने कह रखा है कि भैया आपने जब हमारा पेटीएम पोस्टपेड को स्टार्ट किया था तब आपने एक्सेप्ट किया था कि हम जो भी आउटस्टैंडिंग होगा वो पे कर देंगे, वो सारी चीजें लिखा हुआ दैट यू एक्सेप्ट सेड पेटीएम पोस्टपेड फैसिलिटी सब्जेक्ट टर्म्स एंड कंडीशन। देखिए यहाँ पे सारी चीजें लिखा हुआ, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन यू आर ड्यूटी बॉन्ड टू पे अनयूटिलाइज आउटस्टैंडिंग अमाउंट बिफोर द 7th अप्रैल 2019, मतलब इनका जो डेट था वो 7 अप्रैल 2019 था, 7 अप्रैल तक इन्होंने पे नहीं किया, उसके बाद कंपनी ने नोटिस भेजा, यू हैव फर्दर एग्रीड दैट द फी शुड बी
अपॉन द केस ऑफ, मतलब कुल मिलाकर के ये है कि आप अपना जो आउटस्टैंडिंग है वो पे करने के लिए आपने बोला था बट आपने पे नहीं किया, उस केस में आपके लिए क्या होने वाला है। देखिए इन्होंने लिखा है प्लीज नोट दैट 638 रुपए का अमाउंट इनका ड्यू था, आपका भी कोई भी अमाउंट ड्यू है तो पे कर देना है यार। और कुल मिलाकर के इस पूरे नोटिस में ये लिखा हुआ है कि अगर आप ये पे कर देते हो फटाफट से जाकर के इन्हें पे कर दो 608 जो भी आपका अमाउंट ड्यू है, तब तो ये फर्दर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। अगर आप ये पे नहीं करते हो विद इन 15 डेज के अंदर अंदर में तो आप पे फिर से एक नोटिस आएगा, उसमें आपकी लीगल कार्रवाई की जाएगी, आपको कहीं ना कहीं किसी ने किसी चीज के लिए बॉन्ड कर दिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेकार होगा, अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग पेटीएम पोस्टपेड का जो भी अमाउंट ड्यू है आप सभी लोगों का वो पे कर देना। एंड यहाँ पे लास्ट में नीचे लिखा हुआ है कि भैया इसकी एक कॉपी हमारे पास रिकॉर्ड में रखी हुई है, ठीक है, और इन्होंने ये भी कह रखा है कि अगर आपने पेटीएम पोस्टपेड का बिल जैसे 7 अप्रैल लिखा हुआ है इनके डेट में तो उसके बाद इन्होंने नोटिस वगैरह स्टार्ट कर लिया, लेकिन इस पीरियड में ये कहते हैं कि अगर आपने इस पीरियड में पहले से अपना पेमेंट पे करके रखा हुआ है तो आप भूल जाओ उस नोटिस को, कोई बात नहीं आपके पास नोटिस आ गया इग्नोर करो। और नीचे की तरफ आप इसमें आराम से साइन सील मोहर वगैरह सब कुछ देख सकते हैं और कहां से ये नोटिस आया है वो सारी चीजें देखिए यहाँ पे पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने कह रखा है कि भैया अगर आप ये 638 रुपए पे कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो प्रोसीड सिविल कोर्ट, मतलब जो पैसे लेने देने के मामले में जो कोर्ट होता है उसके अंदर आता है कि भैया आपने फ्रॉड किया है, आपने चीट किया है, आपने पैसे नहीं दिए। तो कुल मिलाकर ये सारा नोटिस है जो मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको समझा दिया, अदरवाइज आप यहाँ पे स्क्रीन को पोज करके स्क्रीनशॉट लेके बड़े आसानी से जूम करके आप पढ़ सकते हैं, इनकी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो ये था पेटीएम पोस्टपेड का लीगल नोटिस। मेरे भाई लोगों, आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका भी कोई अमाउंट ड्यू है तो पे कर दो। और हाँ, अभी अगर पेटीएम पोस्टपेड पेटीएम पोस्टपेड जो ऐप है, मतलब पेटीएम ऐप के अंदर जो पेटीएम पोस्टपेड वाला फंक्शन है वो अगर वर्क ही नहीं कर रहा डिपॉजिट करने के लिए तो एक अलग मैटर है, तो आपको कुछ पेनल्टी है कुछ आपको नहीं बोला जाएगा बिकॉज ये पेटीएम की तरफ से फॉल्ट है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है पे करने का, अभी यूज करने का तो ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं कंफर्म हूं उस चीज के बारे में, शायद पे करने का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा तो फटाफट से जाओ पे कर दो और टेंशन फ्री। बस यही था आज का वीडियो, आप लोगों को बताना था कि पेटीएम पोस्टपेड ने लीगल नोटिस भेजना स्टार्ट कर चुका है। मैसेज तो काफी टाइम पहले से लोगों को प्रोवाइड करा था कि हम लीगल नोटिस भेजेंगे बट फाइनली यहाँ पे कुछ लोगों लीगल नोटिस आना स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग भी जाओ फटाफट से इसे पे कर दो। बस गाइस आज का वीडियो यही था, उम्मीद करता हूँ यार पेटीएम पोस्टपेड के बारे में जो लीगल नोटिस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी जरूर से कुछ ना कुछ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज यार इसे वीडियो को लाइक करने के साथ कुछ ना कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि यार और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और जो कुछ लोग है ना उनकी आंखें खुल जाए। बस मिलता हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक बोलते रहिए जय हिंद वंदे मातरम।